दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी होने वाली है बहुत ही लाजवाब रेसिपी होने वाली है। हम बनाने वाले हैं आज सिंधी साई भाजी। नॉर्मली यार हम कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं भी कुछ खाना खाने जाते हैं तो आपको सिंधी खाना फूड अवेलेबल नहीं रहता है। ये आप घर में बना के एक बार खाइए, बहुत मज़ा आएगा। पालक का बारीक काट के साइड में रख लीजिए। कुकर में सबसे पहले आप जीरा डालिए, हींग डालिए, हरी मिर्च आपने बारीक काट के डालना है, अदरक लहसुन डाल देना। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज है, मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने छोटा छोटा काट के रख दिया था। अभी हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद मैं 3 टमाटर डाल रहा हूँ। टमाटर मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ तो उसमें थोड़ा खटास आएगा तो इसका स्वाद है ना बहुत अच्छा निकल के आता है। तो हमें टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि हमारा मसाला पक के रेडी ना हो जाए। हमारा ये मसाला तो रेडी हो चुका है। अभी आधे घंटे पहले ही मैंने चने की दाल को भिगा के रखा हुआ था तो अभी ये दाल मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। और ये दाल को हमें अच्छे से इस मसाले में फ्राई करना है। थोड़ी देर जब हमारे ये दाल फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक डालने के बाद अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है दाल के साथ में। और अभी हम इसे थोड़ा देर और पकाएंगे पालक के ही पानी में। इस वक्त हम इसमें थोड़ा भी पानी ऐड नहीं करने जा रहे हैं। सिंधी जो फूड होता है ना इसमें वैरायटीज बहुत सारी होती है और उनके जो खाने का स्वाद रहता है ना बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन हम कभी भी कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वो सिंधी फूड को उन्होंने ऐड ही नहीं किया है, मालूम नहीं क्यों। बस अभी आपके दाल बिल्कुल पक के मतलब जितना भुनना था वो भुन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगा 2 ग्लास पानी और उसके बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगा और इसको मैं छोड़ दूंगा 3 सीटी होने तक। जब आपकी 3 सीटी हो जाएगी तो लगभग जब आपकी ये दाल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हाँ तो मैं कह रहा था कि रेस्टोरेंट में आप कभी भी खाना खाने जाओगे तो आपको सिंधी फूड कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार इस दाल को आप ज़रूर ट्राई करके देखना। ये मेरे ख्याल से दाल इतनी टेस्टी बनती है कि जो इंसान दाल खाने का नहीं शौकीन होता है ना वो इंसान भी इस दाल को शौक से खाएगा। बस आपके दाल पक के रेडी हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर देना जिससे क्या होगा कि आपका दाल और जो पालक है ना वो एकदम से घुट जाएगा। आपको अच्छे से घोट देना है। बस अभी हम फाइनल टचअप का तैयारी करेंगे। हम इसमें अभी तड़का देने जा रहे हैं। तड़के के लिए सबसे पहले मैंने तड़का का पैन लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा जब आपका हो जाएगा तो उसमें थोड़ा लहसुन डालना। लहसुन के बाद मैंने अखा लाल मिर्च लिया है। अखा सूखा लाल मिर्च डालने के बाद मैं गैस को कर दूंगा बंद और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगा। बस आपके तड़का बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब इस तड़के को आप दाल में डाल दीजिए और आपकी साई भाजी बनके तैयार हो गई है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए। मैं कह सकता हूँ आपको गारंटी के साथ में बहुत ही लाजवाब बनती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।